उद्घाटन किया है कि मैं सब सुझावों के बारे में आपसे मेरा अपना करीब 30-35 साल का जो अनुभव है पुलिस के माध्यम से ये है कि पुलिस में सुधार होना संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि पुलिस के मैंने जब बहुत ज्यादा इस मामले में रिसर्च की तो ये लगा कि ये सिर्फ इंडियन पुलिस के बारे में नहीं, मेरी दुनिया की हर पुलिस के बारे में जो पब्लिक की राय है उसमें नफरत है, प्रेम नहीं। कारण क्या है कि पुलिस के पास इतनी पावर है कि आम आदमी के पास नहीं है। एक सब इंस्पेक्टर का जो पावर है वो मजिस्ट्रेट सेशन जज को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को जज को नहीं है, हाई कोर्ट के जज को नहीं है, सिर्फ उसको पावर है कि वो एक आदमी को अरेस्ट करके बंद कर दे। तो ये जो पावर है, अरे ये पूरी कहावत है कि पावर मेक द मैन करप्ट, तो पावर के साथ करप्शन आता रहता है। हमारा जो भी ज्यादातर ताल्लुक पड़ते पब्लिक के साथ हमारा व्यवहार पर बहुत अच्छा नहीं है, पब्लिक में हमारी कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है, ना हमारा व्यवहार इतना अच्छा है। तो किसी भी संस्था के या किसी भी कार्य को सुधार करने के लिए या चलाने के लिए जब तक आपकी पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी कोई कामयाब नहीं मिलेगी। आज हमारे सामने एक ऐसी मिसाल है हरियाणा पुलिस की जिन्होंने भारत में कामयाबी हासिल की है और आज ये उस मुकाम पर है जहां होना चाहिए सब। और आज मैंने हिमाचल प्रदेश से आए हुए भाई ने उनसे एक सीख ली और मैं ये सुधार करना चाहूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस हमारे एसोसिएशन को मान्यता मिले, हमें उसके लिए बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। मुझे मेरा अनुभव ये है कि मान्यता मिलने के बाद हम ज्यादा दब जाते हैं, हमारे साथ ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो बेहतर यही है कि हम वेलफेयर सोसाइटीज के हिसाब से अपनी सोसाइटीज रजिस्टर कराएं तो कि वहां हम पर बंधन नहीं। अगर हम पुलिस एसोसिएशन को जाते हैं तो हमारे ऊपर से बहुत बंधन आ जाता है, पुलिस फोर्स से रेस्ट्रिक्शन राइट लग जाता है। वेलफेयर अगर एसोसिएशन से जाएंगे तो हमारे पर कोई बंधन नहीं। जहां तक मेरा अपना अनुभव है सुप्रीम कोर्ट तक या हर कोर्ट में जाकर के यही होता, पुलिस एसोसिएशन नहीं गवर्नमेंट कैसे चलेगी? ये तो गवर्नमेंट ही खत्म हो जाएगी अगर तुम्हारे एसोसिएशन बन गई। तो ये जो माहौल है इसके खिलाफ हमको सोच करके आगे अपने कदम बढ़ाना पड़ेगा। आज हमें सबसे ज्यादा अगर सहयोग करना है तो हरियाणा एसोसिएशन को करना है, इसको और बहुत मजबूत करना है और इसके साथ फिर हिमाचल को लेना साथ। तो हमारा जितना भी आप फोकस है वो सारा यहाँ होना चाहिए। अभी एक बहुत देखिए मुद्दा जब तक नहीं होगा आगे काम बढ़ने का काम मुश्किल है, इसलिए आज हमारे पास एक मुद्दा है जो अभी दिलावर सिंह जी ने यहाँ पर कहा है, वेलफेयर जो फंड है उसका दुरुपयोग। आज उस मुद्दे को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं और मैं दिलावर सिंह जी से निवेदन करूंगा ये कि उस मुद्दे को आगे बढ़ाएं, जितना बढ़ाएं हम उनके साथ हैं।